Dear students, our today's chapter moral. Yes, now new chapter is going to be started. Moral, moral number one. Can. हम can का use कहाँ करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, आज हमें वो आपको पढ़ाना है. Look at board now. Can पहले हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि can जो है most commonly used. Yes, can का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है speaking के अंदर. वीडियोस को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें सेंटेंसेस समझने हैं, क्योंकि मॉडल्स में यस एक्सप्रेशंस भी आएंगे. मॉडल का इस्तेमाल कहाँ है, देखिए कैन का इस्तेमाल. कैन, स्ट्रेंथ, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं. स्ट्रेंथ, जहां ताकत हो, पावर वाली बात हो, एक रोप वाली बात हो. एबिलिटी, जहां काबिलियत पाई जाए, योग्यता. कैरेक्टर, चरित्र, चाल चलन, जहां पर वाली बात, चाल चलन जिसमें हो. यस, ऑफर, कोई ऑफर करी जाए, रिक्वेस्ट करी जाए, इंस्ट्रक्शंस दिए जाए, वहां कैन का यूज होता है जी. और दूसरा देखिए परमिशन, जो मेन पार्ट है परमिशन इसका, टू आस्क फॉर, यानी कि मांगने के लिए, और गिव, या देने के लिए परमिशन, वो हम कैन का यूज करते हैं. अक्सर कैन का यूज छोटों के साथ और बराबर वालों के साथ करा जाता है, बड़ों के साथ ज्यादातर मे का यूज करा जाता है. कहीं कहीं कैन भी इस्तेमाल करते हैं, आपको डिफाइन करेंगे. लुक एट बोर्ड नाउ. देखिए सेंटेंस बनता कैसे है. पहले सब्जेक्ट, काम करने वाला, इसमें हम सब्जेक्ट के बाद मॉडल का यूज करेंगे. यस, मॉडल वर्ब हमारा आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां पर हमारा सेंटेंस बन जाता है. और अगर आगे ऑब्जेक्ट आना चाहे तो ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं और आगे सेंटेंस बढ़ सकता है. ही कैन लिसन, वे सुन सकता है, एबिलिटी है. ही काम करने वाला, कैन मॉडल वर्ब लगाया हमने, फिर लिसन जो हमारा मेन वर्ब है, नॉर्मल वर्ब हमने वो यूज करा, वे सुन सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है. शी कैन टीच साइंस, यहां पर भी एबिलिटी वाली बात आ रही है, मैंने ए लिखा एबिलिटी के लिए. वे साइंस पढ़ा सकती है, विज्ञान पढ़ा सकती है, उसके अंदर एबिलिटी है. यस, सकता है, सकती है, सकते हैं, ये हमारा कैन होता है. सकता हूं भी कैन ही होता है, हूं, है, हो, इसके लिए इस्तेमाल नहीं आएगा. कैन के अंदर ही है, हूं, हो का मीनिंग हमारा रहेगा. कैन का मीनिंग सकना है, लेकिन सेंटेंसेस में सकता हो जाता है. देखें, दे कैन इम्पेंड माई ब्रदर, यहां कैरेक्टर वाली बात है. वे मेरे भाई को धमका सकता है, आपने क्यों सोचा, उसका कैरेक्टर ऐसा है, इसलिए माइंड में थॉट्स ऐसी आई हमारी, ठीक है. नीलम कैन चूज हर क्लोथ, परमिशन दे दी, नीलम अपने कपड़े चुन सकती है, आप उसको परमिशन दे दी. आई हो, वी हो, यू हो, दे सब सब्जेक्ट के साथ हम कैन का यूज करेंगे, इसमें सिंगुलर और प्लुरल का मकसद नहीं होता. मैं आपको पहले बता चुका हूं इस बात को. मिसाल के तौर पर आपने कहा कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं. आई कैन डू इट, हूं, अब हूं के लिए कैन के अंदर ही हूं हमारा है. जैसे बर्ड के बारे में आपने कहा कि दैट बर्ड, यस, यानी कि वे परिंदा कैन बाइट यू. आपने इंस्ट्रक्शंस दी कि जो उस परिंदे के पास मत जाओ, दैट बर्ड कैन बाइट यू, बाइट मुंह से काटना, यानी कि वे परिंदा, सब्जेक्ट काम करने वाला, मॉडल वर्ब आ गया कैन, मेन वर्ब आ गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया. वे परिंदा आपको काट सकता है जी, काट सकता है, या आपने इंस्ट्रक्शन दी. कहीं कहीं ऐसा भी होता है पॉसिबिलिटी, यस, पॉसिबिलिटी ऐसे नहीं लिखा मैंने, पॉसिबिलिटी ऐसी जो बिल्कुल पक्की पॉसिबिलिटी हो, जी हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूं इस काम को. जैसे ये सेंटेंस, आई कैन डू इट, मैं आपसे कहना एक्सप्रेशन, आपने थोड़ा सा अकड़ के बात करी, यानी कि स्कॉल्डिंग पोजिशन, डांटने वाली पोजिशन में बात करी, थोड़ी अकड़ कर बात करी, वहां कैन लगाएंगे. जो हमारे एक्सप्रेशन है वो अकड़ वाले, यस आई कैन डू इट, यू कैन गो, तुम जा सकते हो यहां से, यू कैन गो फ्रॉम हियर, तुम यहां से जाओ, चले जाओ, वो भी इसी के अंदर है. जी हाँ, चले जाओ यानी कि बैठ जाओ, जैसे आपने कहा कि वो बैठ जाए, आपने परमिशन दी. शी कैन सिट, आराम से बोलो, शी कैन सिट, वो बैठ सकती है, वो बैठ जाए. शी कैन सिट हियर, वो यहां बैठ जाए. शी कैन सिट, वो बैठ सकती है. इस तरीके से बात करेंगे तो वो भी आप अकड़ के हम कैन का यूज कर सकते हैं. जैसे यू कैन गो, आपने सुना होगा सर, तुम जा सकते हो, तुम जाओ, तो वो कैन है. बहुत सारे वर्ब्स हैं, प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस बनाने इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे और स्पीकिंग आपकी क्लियर हो जाएगी. तो कैन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे सप्ताह में. अब आगे हम चलिए, हम अफर्मेटिव पढ़ रहे थे, देखिए लिखा मेरे अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अब आगे हम इसमें नॉट भी लगा सकते हैं. नॉट वाले में क्या है, सिर्फ आपको कैन के बाद नॉट का यूज करना है, तो कैन नॉट हो जाएगा. इसे कांट भी कहते हैं, कांट भी बोला जाता है, लिखा मैंने यहाँ पे इसका कांट, ठीक है. सिर्फ इसमें आपको नॉट का यूज करना है मॉडल वर्ब के बाद. अच्छा, ये मैंने लिखा है नो एबिलिटी और परमिशन. ये सेंटेंस ऐसे होते हैं, किसी इंसान में किसी काम करने की एबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है, ही इज नॉट कैपेबल टू डू वर्क,
वे काम करने के लायक नहीं है, तो वहां पर हम नॉट का यूज करते हैं। जैसे ही कैन नॉट लिसन, वो सुनने के लायक नहीं है, वो सुन नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, तो ये हमारा कैन नॉट हो गया। ही कांट लिसन भी कह सकते हैं, शी कांट टीच साइंस, वो साइंस नहीं पढ़ा सकती, उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, यानी कि आपने उसकी एबिलिटी जाहिर करके नहीं है, शी कांट टीच साइंस। यू कांट यूज माई पेन, परमिशन आपने नहीं दी, आप मेरा पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू कांट यूज माई पेन, दे कांट प्ले इन माई ग्राउंड, मेरे ग्राउंड नहीं खेल सकते। वी कांट टॉक टू यू, आपसे बात नहीं कर सकते। इस तरह की बातें हम कैन नॉट को कांट करके बोल सकते हैं और संडेस बना सकते हैं। दे कैन नॉट बीट माई ब्रदर, वे मेरे भाई को नहीं मार सकते। दे कैन नॉट बीट माई ब्रदर, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। और सिंपल, दे कैन नॉट बीट माई ब्रदर, वे मेरे भाई को नहीं पीट सकते। बीट पिटाई करना, आई कैन नॉट, आई कांट भी हो सकता है। टॉलरेट, बियर यानी कि बर्दाश्त करना, वर्ब लगाया मैंने। आई कांट यानी आई कैन नॉट टॉलरेट दीज हार्डशिप्स, हार्डशिप्स मीन्स प्रॉब्लम्स, परेशानियां। आई कैन नॉट टॉलरेट दीज हार्डशिप्स, मैं इन परेशानियों को सहन नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। दैट हंटर, शिकारी दूर खड़ा हुआ है, आपने कहा दैट हंटर, इशारा करके वे शिकारी। दैट हंटर कैन नॉट हंट द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर सकता, परमिशन नहीं है उसको। तो यहां आपने क्या सीखा कि कैन का इस्तेमाल, ही कैन और कैन नॉट, सकता है, सकती है, सकते हैं। तो यहां पर थोड़ी सी हम एक्सप्रेशन कैसे जाहिर करेंगे, एक अकड़कर, स्कॉल्डिंग यानी स्कॉल्ड के अंदर डांटने को, या स्ट्रट, स्ट्रट अकड़ का चलना होता है, स्ट्रटिंग पावर, जहां अकड़ का चलने की पावर, वहां कैन जोर के साथ, फोर्स के साथ भी हम कैन का यूज करते हैं, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए समझना बहुत जरूरी है और इसकी प्रैक्टिस करें, इसको बोलने की प्रैक्टिस भी करें, और आगे अभी इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हैं, वो हम आपको नेक्स्ट क्लिप में अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे, और क्लिप बहुत लंबी हो जाएगी। नाउ इट हैज बीन क्लियर, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहें, और अगर आप न्यू हुए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।